अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, 2014 में आने वाले 2024 में बाहर होंगे, इंडिया पर देश का भरोसा है, ये कहना अखिलेश यादव का। तो 2014 में आने वाले 2024 में बाहर होंगे ये कहते हुए अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। लगातार इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही हैं, पहले पटना में हुई, बेंगलोर में, और आज से महाराष्ट्र के और मुंबई शहर में, जो हमारी आर्थिक राजधानी है, वहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। उनकी सरकार ने धोखा दिया है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, 2014 में आने वाले 2024 में बाहर होंगे, इंडिया पर देश का भरोसा है, ये कहना अखिलेश यादव का। तो 2014 में आने वाले 2024 में बाहर होंगे ये कहते हुए अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। लगातार इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही हैं, पहले पटना में हुई, बेंगलोर में, और आज से महाराष्ट्र के और मुंबई शहर में, जो हमारी आर्थिक राजधानी है, वहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। उनकी सरकार ने धोखा दिया है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, 2014 में आने वाले 2024 में बाहर होंगे, इंडिया पर देश का भरोसा है, ये कहना अखिलेश यादव का। तो 2014 में आने वाले 2024 में बाहर होंगे ये कहते हुए अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। लगातार इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही हैं, पहले पटना में हुई, बेंगलोर में, और आज से महाराष्ट्र के और मुंबई शहर में, जो हमारी आर्थिक राजधानी है, वहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। उनकी सरकार ने धोखा दिया है।